अस्सलाम वालेकुम बलोच ब्लॉग के साथ मैं हूं शुभाज बलोच। दोस्तों इस वक्त हम अपने इलाके में आए हुए हैं। यहाँ चुनावी रैली की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से ये टूट गया है। आपको मुकम्मल दिखाते हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं और जो घर हैं उनके अंदर पानी घुस गया। मुकम्मल आपको दिखाते हैं, मेरे साथ जुड़े रही है। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फिर करते हैं वीडियो शुरू। ये देखें नाज़रीन, काफ़ी तेज़ रफ्तार में पानी जा रहा है, सामने फसलें तबाह हो रही हैं। और इस साइड में हमने बड़ी कोशिश की, गट्टू ले, गट्टू के अंदर मिट्टी भरी, मिट्टी भरने के बाद बंदल बांधते रहे, वो भी पानी की काफ़ी तेज़ रफ्तार की वजह से वो ना रुक सके। और हमने बड़ी कोशिश की, अले इलाके वालों को बुलाया, बुला कर काफ़ी कोशिश की, फिर भी ये ना रुक सके। यहाँ कोई बैलदार या कोई मुलाजिम भी नहीं आया और रिजल्ट करने के लिए काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं हम। कोई यहाँ नहीं आ रहा, कोई बंदा विजिट करने नहीं आ रहा। और काफ़ी जो हमारे कच्चे घर थे वो भी घिरने वाले हैं, कच्चे घरों के अंदर पानी घुस गया। आपको मुकम्मल दिखाते हैं और वीडियो को शेयर करना जितना हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ को विजिट करने के लिए आया कोई सरकारी मुलाजिम या बैलदार? नहीं, नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम कोई नहीं आया अभी तक। हमारी फसलों की बर्बादी आप देख रहे हैं, आपके सामने है जी। आप यहाँ वीडियो ले जाना, इस तरफ ले जाए थोड़ी सी। जी जी, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जी, काफी गवर्नमेंट को पता चले जी किस चीज़ की तनख्वाही ले रहे हैं जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, यहाँ देख सकते हो काफी फसलें खराब हो रही हैं। मुझे ये पता है, ये बैलदार घर बैठ के सिर्फ मंत्री लेते हैं ये लोग, सिर्फ हमारी बर्बादी देख लेंगे। ये कुछ लोग हैं जी, जी। शर्म हया आनी चाहिए, ये घर भी डूब गए हैं। घर के आसियन साहब बन सकते हैं क्या, बैलदार बन सकते हैं? सिर्फ वो मंत्री लेने के काबिल है बैलदार, जितने भी अमले हैं सब घर बैठे हुए, यहाँ हमारी बर्बादी हो रही है। और मौके पे कोई बंदा भी नहीं, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा है ना कोई। ये कितने टाइम हो गया ये कटा? तकरीबन इसको कम से कम 7-8 घंटे हो चुके हैं। 7-8 घंटे अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई अभी तक नहीं पहुंचा। कोई विजिट करने आया, कोई देखने के लिए? कोई नहीं विजिट करने, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, हमारी हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें कि बैलदार को भेजे जितना जल्दी हो सके, ठीक है। हमारी इस बर्बादी को मजीद आप ये गवर्नमेंट अगर चाहे तो रोक सकती है जी। जी नाजरीन, देख सकते हैं फसलों के अंदर पानी घुस गया, काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सामने कच्चे घर खड़े हैं, उनके अंदर पानी घुस गया, वो घिरने वाले हैं। ये अहले इलाके वाले यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कोई भी बैलदार, कोई सरकारी मुलाजम यहाँ नहीं आया, हम काफ़ी मुश्किल में। घर तो बिल्कुल बुढ़े पहन दे रहे थे, घर दे बर्बाद न दे रहे थे, पानी सारे घर पे गए, घर अंदर पे गए। हाँ, घर अंदर पे गए, तो बंदा चेणो कोई नहीं, ना बैलदार है ना कोई है। ये तो समझ में अहले इलाके वाले मिल के गट्टू मिट्टी पापा के कोशिश की थी पहले, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने गट्टू पड़े हैं, लेकिन ये हमारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। यहाँ गवर्नमेंट का काम है, उनकी मशीनरी का काम है। सही सही, सारे पानी ना दबाव इतना है, कटाव इतना है कि उन कवर ही नहीं किया, उन थोड़ा जी हाँ झेलिया भी नहीं, जो गट्टू बनना सारे लौट गए साइड के उत्ते, काफ़ी नुकसान थी। तो देख सकते हो चाचू भी दसा खड़े अंकल, तो मुकम्मल थोको तफसील ना दसाए से। और वीडियो जितना देखे शेयर करे सो, लाइक करे सो।